मुझे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जिसको जो जा रहा है, जिसको कोई सामान लेना है या खाना खाना है या जो भी करना है, उसकी अपनी चॉइस होती है कि उसको किसके यहाँ खाना खाना है। योगी जी ने ये फैसला लिया है, ये बहुत ही खराब है, खतरनाक है, देश सबका है, और इस बात को न समझा गया तो नुकसान भी सबका होगा। तो ये मानसिकता बताता है ये बीजेपी की जो है, और ये बहुत मुल्क के लिए अच्छा नहीं है और बहुत खतरनाक। नहीं, मुझे इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। जो हुआ है ठीक हुआ है। जिसकी दुकान है, अगर हमें उसका नाम पता हो कि कौन आदमी है, किसने अपनी दुकान लगाई है, तो इसमें व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग इन इट। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप टॉप डल विपक्ष कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष कह रहा है तो विपक्ष की बात आपको विपक्ष से पूछनी पड़ेगी भाई। जहाँ तक हमारी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है, मैंने आपको बता दिया, मुझे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जिसको जो जा रहा है, जिसको कोई सामान लेना है या खाना खाना है या जो भी करना है, उसकी अपनी चॉइस होती है कि उसको किसके यहाँ खाना खाना है ना, उसे पता होना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। जहाँ तक कांवर यात्रियों का सवाल है, ये कांवर तो बहुत पहले चलता था, हम लोग वेलकम करते थे, सहयोग करते थे और सारा समाज करता था, कोई जाति का सवाल नहीं था। हिंदू करते थे, मुसलमान, ईसाई सब करते थे। लेकिन जो योगी जी ने ये फैसला लिया है, ये बहुत ही खराब है, खतरनाक है और देश को, समाज को बांटने की साजिश है। ये देश किसी एक जात का नहीं है, ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश किसी धर्म का नहीं है, ये देश किसी मजहब का नहीं है, देश सबका है, और इस बात को न समझा गया तो नुकसान भी सबका होगा। इसलिए इस काले कानून को, काली व्यवस्था को तत्काल हटाने के लिए हम लोग पुरजोर दबाव डालेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाकया है और ये दिखाता है कि ये जो फासिस्ट ताकत कितना हिंदुस्तान की छवि खराब करने पे तुले हुए हैं। जबकि आप अगर आप कांवरियों से पूछेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। उनको जहाँ पानी मिलेगा वो रुक के पानी पियेंगे, जहाँ खाना मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा, वहाँ करेंगे। तो ये मानसिकता बताता है ये बीजेपी की जो है, और ये बहुत मुल्क के लिए अच्छा नहीं है और बहुत खतरनाक। बीजेपी तर्क दे रही है कि नेम प्लेट में आपत्ति क्या है, कांग्रेस को आपत्ति क्यों है इस पर? अगर नेम प्लेट नहीं, आपके मंशा पे आपत्ति है। नेम प्लेट पहले तो नहीं था, अभी भी हम लोग जाते हैं जहाँ सब्जी अच्छी मिलती है वहाँ हम लेते हैं। हम तो कभी पूछते नहीं हैं, आप पूछते हैं क्या? कोई भी नहीं पूछता है। उसी तरह खाने जहाँ पे अच्छा साफ सुथरा होगा, जगह खाली होगा, लोग जाएंगे वहाँ। तो ये उनका मंशा ही है डिवाइड एंड रूल, और हिंदुस्तान की पब्लिक और खास करके यूपी के पब्लिक ये जान गई है और उसको नकार दिया है पिछले इलेक्शन में। अभी आइंदा जो भी इलेक्शन होगा उसको पता चल जाएगा।